Pooja. This is me, Pooja, for the people who don't know me. And he is Chiku, my brother. Yeah. So, yeah. Take it up. Hi guys, again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me, Pooja, for the people who don't know me, and welcome to another exciting video. So further any delay, let's get started. So in this video I am going to create a makeup look jisme main puri video mein meri aankh band rakhne wali hu, theek hai. Maine is challenge ko firstly dekha tha TikTok pe फैबी मेकअप आर्टिस्ट को, जिनको भी मैं बहुत ज्यादा पसंद भी करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ. एंड सेकेंड थिंग, मैंने इसको करने की सोची थी, बस लाइक अब तो करनी है. सो यार, आज मैं करने वाली हूँ ब्लाइंड, क्या नाम दे इसको, ब्लाइंड मेकअप चैलेंज, जो भी है बस स्टार्ट कर. और एक बात, मैं आज कोई भी मतलब इतना ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये एक ब्लाइंड मेकअप चैलेंज है. तो मेरी जो सारी मेकअप प्रोडक्ट्स है, मतलब जितने भी सारे मैंने यूज किया है, वो सारे मेरे सामने ही रखे हैं. सो ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, स्टेप बाय स्टेप मुझे मिल जाए. सो या ओके. सो मैडम ने सबसे पहले यहाँ पे यूज किया है मार्स का सिल्की फिल प्राइम स्प्रे. इट्स अ प्राइमर बेसिकली, जो कि है वाटर कंसिस्टेंसी में. देन उसके बाद उन्होंने उसको ड्राई होने के बाद ये क्या कर ली. ओके, सो उनको इचिंग हो रही थी. ओके, सो देन उसके बाद उन्होंने यूज किया है बीबी क्रीम. ये पॉन्स का बीबी क्रीम है और देखो, डेट हाथ में लेके वो पहचान गई कि ये बीबी क्रीम का फ्रंट है और उसको कैमरा पे दिखा भी दिया. एंड बीबी क्रीम को लेते हुए वो अपनी, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ओ माय दीदी, मैं आज वो भैया वाला पावर आ गया कि ब्रूस ली, जैकी चैन, उनकी तरह मसाज करना है. एंड देखो देखो कैसे पेल रहे, हंस भी रहे, क्या पता क्या क्यों हंस रहे हैं. ओके, सो वो सीरियस हो गए, हम भी सीरियस हो जाते हैं. बीबी क्रीम को लगाने के बाद हाँ, वो फेस को सेट करेंगी. उन्होंने यूज़ किया है मेबलिन का सुपर फ्रेश मैट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड पर्ल और उसको बहुत अच्छे से उसी स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से उन्होंने अपनी फेस पे घिस रही है. इसको मैं अप्लाई करना नहीं भूलूंगी क्योंकि ये सच्ची मुच्ची में घिस रही है. और घिसने के बाद हुआ, मैडम आपका घिसना स्टॉप कर दो, अब हो गया, ठीक है हो गया, चलो छोड़ दो छोड़ दो. हाँ छोड़ दिया, चलो कुछ ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है. ओके, सो यहाँ पे मैडम को कंफ्यूजन होगी कि कौन सा क्या है. मैडम की टैलेंट देखी आपने, सुन के ही बता दिया कौन क्या है. और यहाँ पे अब वो यूज करने वाली है आईलाइन, वाट लगने वाली है. ओह माय गॉड, पता नहीं मैडम ने किस भगवान का नाम लिया और शुरू हो गए. लेकिन जो स्टार्टिंग उन्होंने की, वाह भाई वाह, देखो आप बस देखते रहो कितना अच्छा से एक विंग लाइनर वो ड्रॉ किया है. विंग भी बहुत, फिर से हंसी, ये लड़की पागल है शायद, इतना हंस रही है. ओके, दूसरी आंखों में भी उन्होंने ट्राई किया है और जो थोड़ी मछली की तरह हो गई, पता नहीं क्या होगा. ओके ओके, सो हो रहा है, कीप काम एंड वेट फॉर द एंड. ओके, सो लाजवाब, उन्होंने एक साइड पे विंग ड्रॉ की, दूसरी साइड पे नहीं की. एंड दिस इज कॉल्ड टैलेंट. चलो हो गया, वेयर इज माई मस्कारा, वेयर इज हर मस्कारा, कोई ढूंढ दो इसकी मस्कारा. ओके, सो मस्कारा उन्होंने यूज किया है और मस्कारा की टिप पे पूरी मस्कारा लगी हुई है. मैडम को नहीं पता, बहुत कोशिश कर रही है आंखें ना खोलने की, लेकिन मस्कारा है लगाने के टाइम पे थोड़ा तो आंख खुलना पड़ता है ना, तो वही वो कर रही है. इनको देख के लगता है कि माता आ गई है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रही है. सो इसके लिए एक क्लैप तो बनती है, प्लीज गाइस एक क्लैप दे देना इसके लिए. ओके, सो ओके, सो आई हैव टू फाइंड द आईब्रो पेंसिल फ्रॉम दिस, क्या बोले इसको, फ्रॉम दिस बास्केट. ब्रशेस की साइड है. ओह माय गॉड, दिस इज सो टफ एक्चुअली. ओके ओके, सो आई थिंक आई फाइंड, या या या, सो दिस इज द वेट एंड वाइट ब्राउ पेंसिल. यस, आई एम एब्सोल्युटली राइट. एंड चलो निकल गया, पहले कूम कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. आपने मैडम की कॉन्फिडेंस देखी, किस तरह से उन्होंने उसको निकाल भी लिया और उसके बाद पूरी ब्रांड का नाम और क्या है कौन सा है सब कुछ बोलने के बाद वो अपनी फिंगर टिप की हेल्प से और सिक्स सेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्राउ को फिल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. लेकिन उसमें से क्या प्रोडक्ट निकला भगवान को ही पता है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा.
उसके बाद उनकी इंग्लिश सुनो। गाइस प्लीज डोंट जज मी, गाइस प्लीज डोंट जज मी। क्या हुआ भगवान, चलो कैब मिले पहले इसको डाल देते हैं, उसके बाद इसे कॉम कर लेती हूँ। Awesome, fantastic. So, yeah, हो गया and मैंने कोई भी आई शेडो इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि सच्ची में आई शेडो पैलेट में से कलर निकालना इट्स वेरी टफ। सो यार वेयर इज माई ब्लश? ओके सो पहले कॉन्टोर कर लेते हैं एंड दिस इज द वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर पैलेट। ओ माई गॉड मुझे नहीं मिल रहा। ओके सो कीप काम। ओके तो मुझे मिल गया एंड फिर से मुझे कॉन्टोर का ब्रश खोजना है इसमें से। ओके सो हे भगवान वेयर इज माई ब्लश No, this is the blush brush actually. No. Okay. So contour का brush मिल गया, देखो लग भी गया हाथ में ही। भगवान क्या कर रही हूँ। Okay, so इसका जो right की तरफ contour का palette है, I hope मैं और कोई brush ना use करूँ। मैडम भगवान पे तो बिलीव करती नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने जितनी बार हे भगवान बोली ना, अगर भगवान सच में होती और उनकी कृपा दृष्टि पे पड़ती तो अभी तक सुन लेते हैं शायद, लेकिन वो नहीं सुना क्योंकि ये अपने काम से उनको बुला रही है। अभी ब्लेंडर देखो, वाओ। ओके एंड कॉन्टोरिंग, नोज कॉन्टोरिंग मैंने बहुत ही ज्यादा गंदी, ओके सो नोज कॉन्टोरिंग मैंने बहुत ही ज्यादा गंदा किया होगा, सो इसीलिए जस्ट टू लुक नेचुरल मिस येलो पाउडर को लेके अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई कर लेती हूँ ताकि जो कॉन्टोर का शेड अगर मेरी ब्रिज पे भी चला जाए तो ये उतना गंदा ना दिखे एंड इसको कवर अप कर सके। ओके सो डन, बाप रे। ओके सो दिस इज बेसिकली द ब्लू हेवन डायमंड ब्लश ऑन। ये लगाने में बहुत आसानी है, होप कि मैं बहुत ज्यादा ब्लश ना यूज कर दू, पता नहीं क्या होता। कर लेते हैं। अच्छा वेयर इज माई हाईलाइटर? हेलो हाईलाइटर मिल गया एंड फिर से मुझे ओके सो एक बारी में ही मिल गया, चलो अच्छी बात है। दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर। ओके सो पहले आईब्राउ को ओके सो हो गया एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिपस्टिक। ओ माई गॉड क्या होगा नहीं पता। So basically here I am using the Sitcom Special by NYB Liquid Lipstick or the Velvety Under the Ground. ये दोनों में से कोई एक shade होगा, मुझे properly नहीं पता। मैडम की एक honesty मुझे पसंद आई क्योंकि आपको ये fake ना लगे तो उन्होंने शायद इसीलिए video को 1.5x mode में डाल के सब कुछ दिखा दिया है and जो जो part उनको बहुत गंदा लगा होगा शायद उसी part को उन्होंने काट दिया है जो unnecessary है। And यहाँ पे मैडम ने lipstick apply किया है and this is बेसिकली द सिटकॉम स्पेशल जो कि मैडम ने अप्लाई कर लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता कि उनकी जो मेकअप स्किल है वो कितनी अच्छी है। मेरे दांतों पे भी लग गया शायद, हे भगवान ये फील हो रहा है यहाँ पे। एंड फाइनली द मेकअप सेटिंग स्प्रे, दिस इज फ्रॉम इनवाइट बाय इनवाइट, सो फाइनली सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज बाय इनवाइट बे। Okay, so this is the moment of the truth. 3, 2, 1, dincha! Wow! Wow, that's amazing. So, पहले मैं इसको हटा लेती हूँ. Okay, this is my absolute final makeup, जो कि मैंने आँख बंद करके किया है, and I am so proud of myself. आप अगर आईलाइनर देखोगे तो यहाँ पे एक ये कैसा विंग बना है मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे एकदम प्रॉपर एक विंग बना है। नेक्स्ट चीज है नोज कॉन्टोरिंग जो कि ठीक ठाक है। थर्ड थिंग है मस्कारा जो कि मैंने अच्छे से कोट किया है क्योंकि मैं बहुत डेली बेसिस पे मैं मस्कारा लगाती हूँ। सो या आईब्राउज भी ठीक है, मतलब इस पे मैंने सच्ची में कोई प्रोडक्ट यूज भी किया है मुझे नहीं मालूम, बस यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट है। लेकिन जो लास्टली मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लिपस्टिक आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ी भूल चूक हुई है, लेकिन
सिर्फ लिपस्टिक ही मैंने प्रॉपरली लगाया, एक बहुत बड़ा डिजास्टर तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो करके। मैं अपनी खुद की मेकअप स्किल्स भी देख सकती हूँ कि मैं ब्लाइंड होकर भी कैसे मेकअप कर सकती हूँ, एंड दिस इज द रिजल्ट विच इज ओके। सो मेकअप लुक को 10 में से रेट जरूर करना कि आप कितना देना चाहते हो। मैं मेरे हिसाब से इसको 6 दूंगी, क्योंकि मेरी जो डार्क सर्कल्स है वो अभी भी दिख रहा है। सो जो भी पॉइंट जाता है वो लिपस्टिक के लिए है। सो मैंने बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगाई, होप आप लोगों को अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बगल में एक छोटू सा बेल बटन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना कि ताकि मैं जब जब भी वीडियो डाल सकूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सके। और अगर मैं आपको पर्सनली पसंद करती हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सोशल मीडिया पे। मैं उन सारी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मुझे और एक चीज जरूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सी चैलेंज देखना चाहते हो मेरे, मतलब मुझे करते हुए। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग मतलब मेरे लिए थोड़ा भी हंसते हो या फिर आप इंजॉय करते हो, आप खुश हो जाते हो, तो इट डज मीन अ लॉट टू मी, क्योंकि मेरा काम ही वही है कि आप लोग बस खुश खुश रहो, हंसी खुशी रहो, हंसी खुशी वाह, हंसी खुशी रहो, हंसी खुशी वाह। मेरा हिंदी, आप लोग बस अच्छे से रहो, बहुत खुश रहो, यही मेरा मोटिव है। सो बेसिकली मैं और भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी मदर टंग जो है वो बंगाली है, हिंदी नहीं है। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे हिंदी को लेके कमेंट करते हो, बहुत जनों को ये क्यूट लगता है, बहुत जनों को ये डिसअपॉइंट करती है कि मेरा हिंदी क्यों ऐसा है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, आई होप मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा मदर टंग नहीं है, दिस इज मेरा मदर टंग जो है वो है बंगाली। सो मैं बंगाली में ही बात करूंगी ना। अगर आप एक साउथ इंडियन हो या फिर आप एक तमिलियन हो तो आप तमिल में ही बात करोगे ना। आपको अगर हिंदी बोलने को कोई बोलेगा तो उसका एक्सेंट थोड़ा अलग होगा ना। मेरा ये मैंने जो अभी ये थोड़ा बोला ना, मुझे पता है कि उसका स्पेलिंग TH OTA है, थोड़ा, लेकिन फिर भी जो एक्सेंट है वो बंगाली लोगों का, मतलब हिंदी बोलने के टाइम पे कुछ एक्सेंट ऐसा हो जाता है। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। अभी बहुत सारे जन ये भी बोलेंगे कि दीदी तो फिर आप प्लीज हिंदी में वीडियो मत बनाया करो, बंगाली में ही बना लो। तो मैं बहनों को ये बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि बहना मेरी जो वीडियो है वो बाहर के लोग भी देखते हैं, मैं उनको भी कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े कि वो पूरा वीडियो देखे एंड उनको समझ में ही नहीं आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ। एंड या मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ने एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि आई एट दिस कलर फूड फॉर अ होल डे, मतलब वो एक कलर पिक करते हैं एंड उसी कलर के सारे फूड आइटम्स वो सारा दिन खाते हैं एंड 24 आवर्स तक कैसे सरवाइव करते हैं उसको लेके। तो मैं ये बहुत दिनों से करना चाहती थी लेकिन हुआ नहीं, पता नहीं क्यों हुआ नहीं। सो आप कौन से कलर का फूड चैलेंज मुझे करते हुए देखना चाहते हो ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका ऑप्शंस है 1 ग्रीन, 2 ब्लैक, 3 व्हाइट एंड 4 ग्रीन एंड व्हाइट। सो या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर करूंगी वो आपके लिए। या तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।